जादू नगरी की हड़बड़िया सर पे चढ़ गई जादूगरिया, ये है इसकी जादूगरिया। बेईमानी करते हो तुम, तुमसे बड़ा बेईमान मैंने देखा ही नहीं है। मैंने क्या बेईमानी की है? जादू, जादू से गोल किया तुमने? मैंने खुद गोल किया, गीदी ने पूछ लो। क्या हो गया रूहान, साफ गोल था। तो मैंने कब कहा कि गोल गंदा है? अब ये स्टैंड अप कॉमेडियन भी बन गया। अच्छा अपने ईमान से बताओ, तुम जादू नहीं करते? हाँ करता हूँ। सुन लिया, जादू करता है मतलब बेईमानी करता है ये। लेकिन मैं खेल में बेईमानी नहीं करता। रूहान अब इसे रोना कहते हैं। जो जी नहीं कर रहा है, तुम रो रहे हो। हाँ देखो बेचारा के आंसू भी निकल रहे हैं। चलो गेम शुरू करो। अब तुम लोग देखना मेरी केक। आ जाओ। ओह नो। चलो छुट्टी, बॉली खो दी। जीनी तुम प्लीज जादू से बॉल ले आओ ना। मुझे जादू नहीं आता, तुम खुद ले आओ। रूहान रूल इज रूल, जो बॉल फेंकते वही लेकर आता है। यार वो अरूज अंकल मुझे बॉल नहीं देंगे और ऊपर से डांटेंगे भी। बॉल तो तुम्हें लाना पड़ेगी। ठीक है मैं स्टोर से दूसरी बॉल ले आता हूँ। स्टोर में दूसरी बॉल नहीं है। अरे कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना, पहले एपिसोड से फुटबॉल ही खेल रहे हो। जाने दो, वैसे भी खा के मोटा हो गया, कोई काम तो करेगा। आप वहां बैठते हैं। सबा तुम्हें एक अच्छी बात बताऊं? हाँ बताओ सलमान। बच्चे हमारे घर के अंदर फुटबॉल खेल रहे हैं। सलमान ही कोई अच्छी बात नहीं है, उनसे बोलो बाहर जाके खेले। कमा करती सबा, घर के बाहर जाएंगे हमारा घर खराब नहीं हो जाएगा? ओहो घर अंदर से खराब होता है सलमान। बाहर से खराब होता है? वैसे अंदर से तुम्हारा क्या मतलब है? हमारा लॉन और क्या। सलमान लॉन घर के बाहर होता है, अंदर नहीं होता। ये बात तो मुझे पहले से मालूम थी। अभी तो तुम कह रहे थे कि बच्चे घर के अंदर फुटबॉल खेल रहे हैं। तो तुमने गलत सुना होगा। हाँ भाई सारी दुनिया गलत है, एक तुम ही ठीक हो सलमान। दुनिया आज तक मुझे समझ नहीं पाई। क्यों तुम अपने दौर के आइंस्टाइन हो क्या? आइंस्टाइन तो बहुत जालिम इंसान था। या अल्लाह आइंस्टाइन ने क्या जुल्म कर दिया आप सलमान? अरे भाई पूरी दुनिया तबाह कर दी, दूसरे जंग अजीब में लाखों करोड़ों लोग मारे गए। वो आइंस्टाइन नहीं था, हिटलर था सलमान। वो तो हिटलर था। शुक्र है बच्चे खेल रहे। अगर खेलते नहीं तो क्या करते? लड़ते। हाँ जैसे तुम मुझसे लड़ती हो। मैं तुमसे कब लड़ती हूँ सलमान? लड़ने रही तो क्या प्यार मोहब्बत वाली बातें कर रही हो? तुमसे बात करना ना मुश्किल है अब। क्यों, क्या मैं इतनी मुश्किल इंग्लिश बोलता हूँ? तुम जो भी बोलते हो ना उल्टा बोलते हो, उल्टा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अभी बताओ मैं सीधा खड़ा हूँ या उल्टा? सीधा सलमान। तो उल्टा कैसे बोल सकता हूँ? हार गई। जीनी अगर अरूज अंकल ने बॉल देख ली तो उन्होंने अपने पास रख लेनी है। यार मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये अरूज अंकल चीजों को करते क्या है? हमारे भी घर आते चीजें चुरा के ले जाते। बेच ही देते होंगे, कोई काम काज तो करते नहीं है। फिर तो फटाफट बॉल वापस लेना चाहिए। शुक्र है फुटबॉल तो वापस आई। ये बॉल वापस कहाँ से आई? यकीनन जादू से ही आई होगी। रूहान ये तुम बॉटल उठा के कहाँ से लेकर आए? ये तो बड़े पुराने जमाने की बोतल लग रही है। ये बॉटल मुझे स्टोर में पड़ी मिली थी और ये तो हमारी भी नहीं है। हो सकता है हमारे शिफ्ट उनसे पहले की किसी की हो। तो तुम इस बोतल का क्या करोगे? इसे साफ करके प्लांट लगाते हैं, मम्मा पापा को भी अच्छा लगेगा। लेकिन ये बहुत टाइट से बंद हुआ हुआ यार। लाओ मैं खोलता हूँ। ये क्या हो रहा है? अक्कड़ बक्कड़ भूम बिटक्कर मारी टक्कर आ गए चक्कर। मैं आजाद हो गया। अंकल आप कौन है और आपको इस बोतल में कितना बन गया था? मेरा नाम टीपू है, मैं 2000 साल पुराना जिन हूँ। आपको इस बोतल में किसने बंद किया था? किसी जालिम जादूगर ने मुझे 100 साल पहले बोतल में बंद कर दिया था। तू ये बता टूटी फ्रूटी कहाँ है? टूटी फ्रूटी है क्या? मेरा बेटा और मेरी बहू। टूटी फ्रूटी आपके बेटे और बहू थे? हाँ और उनके हाँ एक बच्चा भी पैदा हुआ था। दादाजी वो बच्चा मैं हूँ। मेरा पोता। ये बता टूटी फ्रूटी कहाँ है? उनका तो इंतकाल हो गया दादा। बू सबा ऐसे लग रहा है खुशबू से कि अभी अमन से निकाला है। हाँ सलमान अभी तो बेक किया है। एक स्लाइस दे दो। ज्यादा नदीदापन मत करो सलमान। क्यों
तुमने एक एक देखने के लिए बनाया है? थोड़ा कंट्रोल करो अपने ऊपर तो। तुम्हारा मतलब है मैं आउट ऑफ कंट्रोल? अरे कभी किसी औरत के इस घर में शिकायत आई है? औरत का जिक्र कहाँ से आ गया सलमान? तुम ही ने तो कहा था मैं आउट ऑफ कंट्रोल हूँ, यानी कि आवारा हूँ। मुझे पता है क्या लगता है, इस केक की खुशबू ना तुम्हारे दिमाग पे चढ़ गई है। मुझे हल्का हल्का नशा तो फील हो रहा है। तो चलो फिर किचन में तुम्हारा नशा उतारती हूँ। क्या मतलब? चलो वो जो 5 किलो मटर लेके आयो ना, पहले वो छीलो फिर केक को हाथ लगाना। चलो मेरे साथ सलमान। सबर करे दादा अबू, सबर करे। मैंने भी सबर किया, जब से मेरे अपने अबू बने मैं अकेला ही रहता हूँ यहाँ पर, बस ये दोनों मेरे दोस्त हैं। ये तुम्हारे दोस्त कैसे हो सकते हैं? ये तो इंसान है। दादा अबू इंसान है लेकिन बहुत अच्छे इंसान है, जब भी मेरे दोस्त हैं। दादा अबू इंसानों को तो मुझे नजर ही नहीं आते, आप हमें कैसे नजर आ रहे हैं? तुमने मुझे बोतल से आजाद किया है, अब मेरा फर्ज भी है कि मैं तुम्हें कोई तोहफा दूँ। नहीं नहीं दादा अबू, हमें कुछ नहीं चाहिए। मुझे चाहिए आपने मुझे एक बर्गर ला दे। बर्गर क्या होता है? दादा अबू ये खाने की चीज है, आपके जमाने में नहीं होती थी। अरे खाने से याद आया, मैंने 100 साल से कुछ भी नहीं खाया। 100 साल से कुछ नहीं खाया तो फिर आप जिंदा कैसे हैं? मेरी बात और सुनो बच्चों, जब हम इस बोतल में बंद होते हैं तो हमारी एनर्जी सेफ मोड पे चली जाती है। यूं समझो कि हम सो रहे हैं। दादा अबू एक बात पूछू? बोलो। आप रोहन और गीति को तो नजर आ रहे हैं लेकिन इनके मामा पापा को नजर ना आइएगा। ये मामा पापा क्या हुआ? इनके अम्मा अब्बा। अरे चलो भाई, नहीं नजर आऊंगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा जैसे घर में कोई बहुत लजीज चीज बन रही, जैसे मीठी टिकिया बन रही है। अरे दादा अबू मीठी टिकिया का दौर चला गया, मम्मा ने केक बनाया होगा। वही जो भी बनाया, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। मॉम ने केक बहुत मजे का बनाती है। इश्तहांगेज खुशबू, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मजा रहा हूँ। ये दादा भूखे चले गए केक खाने। क्या सारा केक खा जाएंगे? अरे 100 साल की भूख है, अब तो सैकड़ों दसियों बीसियों केक खा जाएंगे। ओहो, लगता वो लोग आ गए। सलमान केक कहाँ गया? मुझे क्या पता, तू भी इतनी हिफाजत कर रही थी जैसे एक शेरनी अपने बच्चों की करती है, और फिर भी तुमने केक खा लिया। मैं तुम्हारे साथ किचन में मटर छिलवा रहा था। तुम बीच में उठे भी तो थे। अरे नहीं उठा था। तो फिर केक कहाँ गया सलमान? बच्चों ने खा लिया होगा। बच्चों ने बगैर इजाजत केक कैसे खा लिया? अब बच्चों को अपने घर में केक खाने के लिए तुम्हारी इजाजत लेनी पड़ेगी। सलमान मैंने तो सोचा था सब मिलकर खाएंगे, अब तो गायब हो गया। मैं बच्चों को थोड़ा डांट के आती हूं। कर लो अपना शौक पूरा, इससे बेहतर ये नहीं था कि मैं अपना हिस्सा खा लेता। मैं तुम्हें और केक बना दूंगी सलमान। मुझे यही वाला केक चाहिए था। बच्चों की तरह जिद मत करो। बच्चा हो ना, बच्चों की तरह जिद करूंगा। तुम बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए हो सलमान। अगर मेरे माँ बाप जिंदा होते तो उनका तो बच्चा ही होता ना। बच्चे रुको जरा, पहले मैं इन बच्चों की खबर ले लूं। अरे खबर लेने गई है तो टीवी खोल लेती, सारी खबरें तो वहाँ पर है। यार दादा अबू केक तो खा लेंगे लेकिन इल्जाम किस पे आएगा? तुम पर, तुम ही हो घर में एक पेटू। अच्छा वैसे सुबह नाश्ते में 2-3 दिन पराठे कौन खाते? वैसे हो सकते पापा के ऊपर इल्जाम आ जाए। हाँ हाँ पापा पे लगा दो। लेकिन ये कब तक चलेगा? दादा अबू वापस बोतल में नहीं जाएंगे? हाँ जीनी, ये तो अब सोचना पड़ेगा। क्या दादा अबू हमारे साथ रहेंगे? क्या हो रहा है यहाँ पे? गौर फिक्र। पूरा केक खाने के बाद गौर फिक्र करने के काबिल हो तुम? पूरा केक? मम्मा ये आप क्या कह रही हैं? डाइनिंग टेबल पे मैंने केक बेक करके रखा था, वो गायब है। पापा ने खा लिया होगा। तुम्हारे पापा नहीं खा सकते। क्यों, उनके दांतों में कैविटी हो गई है? तुम्हारे पापा केक इसलिए नहीं खा सकते क्योंकि वो मेरे साथ किचन में थे, ये काम तुम दोनों का है। सॉरी मम्मा, हमें भूख लग रही थी। हाँ केक तो खाया, आप तो ऐसे डांट रही हैं। गुड, मैं तुम लोग के मुँह से सिर्फ सच सुनना चाहती थी। केक तो दोबारा भी बेक कर दूंगी। प्लीज प्लीज आप मत बनाइएगा वरना दादा अबू फिर से खा जाएंगे। दादा अबू? मतलब हम लोग? तो क्या हो गया, मैं खाना किसके लिए बनाती हूँ? तुम लोगों के लिए। लेकिन मम्मा अभी तुम्हारा केक से पेट भर गए। चलो ठीक है नहीं बनाती, वरना तुम्हारे पापा ना बहुत नदीदापन कर रहे थे। तो आप उन्हें डांट खिला दे। रोहन सॉरी, इट्स ओके। यार क्यों मना कर दिया, मैंने भी केक नहीं खाया था। दादा अबू ने फिर से केक खा लेना था। मुझे तो लगता है घर में और मसले होने वाले दादा अबू की वजह से। सबा तुम्हें दोनों को सजा देनी चाहिए थी। केक खाने की सलमान? केक बगैर इजाजत खाने की? अरे उन्होंने अपनी गलती कबूल कर ली है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अच्छा अदालतों में जो इतराफ जुर्म कर लेते जज उनको माफ कर देता है? छोटे मोटे जुर्म तो माफ कर दिए जाते हैं सलमान। मैं केक खाने से महरूम रह गया, ये कोई मामूली जुर्म नहीं है। ओहो मैं तुम्हारे लिए दूसरा केक बना दूंगी। तुम हमेशा ये कहकर मुझे बहला देती हो, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ यार।
मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तुम एक काम करो, वापस किचन में चलो मेरे साथ और मटर छीलो। अरे उसी मटर छीलने के चक्कर में मैं केक से महरूम रह गया हूँ। तो फिर बैठ के टीवी देख लो सलमान। टीवी बैठ के देखते सबा, खड़े होकर कौन टीवी देखता है? सलमान मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। मैं एक बात बताऊँ, जब तक तुम इलाज नहीं कराओगे ना तुम्हारे हालात बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे। ठीक कह रही हो, तुम्हें इलाज की फौरी जरूरत है। मैं तुम्हारे इलाज की बात कर रही हूँ सलमान। तुम्हें जरूरत है, तुम्हें जरूरत है, तुम्हें सलमान, तुम्हें। लाइट चली गई, क्या हुआ? सलमान ब्रेकर सही हुआ? सारे ब्रेकर तो ऊपर है। कोई ब्रेकर नीचे नहीं गिरा हुआ था? जमीन पर नहीं सलमान, बॉक्स के अंदर। नहीं सब सारे ब्रेकर ऊपर ही थे। लेकिन हमारे कमरे की लाइट गई थी। सिर्फ हमारे कमरे की क्यों गई? अगर जाती तो पूरे घर की जाती ना। सलमान पता है मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। लाइट में? घर में। हमारे घर में कुछ जिन आ गया? हाँ सलमान आ भी सकता है, तुमने सुना नहीं अक्सर लोग किससे सुनाते हैं उनके घर में जिन आ गया? सभा ये जिन घरों में नहीं दरख्तों में रहते, और वो भी सुनसान जगहों पर। इस तरह घरों की लाइटें ऑन ऑफ नहीं करते रहते। सलमान पहले पूरा केक गायब, फिर कमरे की लाइट चली गई। मैं तुम्हें बता रही हूँ जरूर कुछ है। सभा बच्चों ने केक खा लिया था ना, उन्होंने कबूल कर लिया है सलमान, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। एक काम करते हैं बच्चों को बुला लेते हैं ना। और रोहन गीति सलमान बच्चों को क्यों डरा रहे हो? डरा नहीं रहा, बुला रहा हूँ। रोहन गीति बेटा तुम लोगों ने केक खाया था ना? हाँ, 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 हमने खाया था। और हमारे कमरे की लाइट भी तुम लोगों ने ऑफ की थी क्या? नहीं पापा, जी जी बिल्कुल हमने बंद की थी। पर रोहन तुमने हमारे कमरे की लाइट क्यों ऑफ की? असल में हम अपने कमरे की लाइट ऑफ कर रहे थे, आगे कमरे की लाइट ऑफ हो गई। अच्छा तुम्हारा मतलब कि मेन स्विच बोर्ड से तुम लोगों ने लाइट ऑफ की है? जी 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 हाँ। वैसे तुम अपने कमरे की लाइट बंद क्यों कर रहे थे? वो एक्चुअली हम हाइड एंड सीक खेल रहे थे और बिजली का बिल भी बचा रहे थे। रोहन सर्किट ब्रेकर के साथ बिल्कुल नहीं खेला, शौक भी लग सकता है बेटा। ठीक है पापा, हम जाएं। यस गो। शैतान हो गए ये लोग बहुत। तुम्हारी तरह सलमान। मेरी तरह पता नहीं किस किस्म के कपड़े पहनते हैं ये लोग। यहाँ क्या फैशन चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। लो भाई ये तो उससे भी गया गुजरा, इससे अच्छी बुतीश तो हमारे कोकाफ में है। क्या अच्छे फैशन चलते हैं वहाँ। होमवर्क ना करने की वजह से डांट पड़ी है क्या? जी नहीं, मेरा होमवर्क करने का कोई इश्यू भी नहीं है, और वैसे भी अब तो रोहन भी तुम्हारी मदद से होमवर्क टाइम पे कर लेता है। तो फिर मुंह क्यों लटकाया हुआ है? दादाबू की हरकतों की वजह से। अब क्या कर दिया दादाबू ने? पहले तो वो सारा केक खा गए और दादू से मम्मा पापा की कमरे की लाइट भी बंद कर दी। जी नहीं, इस तरह तो ऑब्वियस हो जाएगा कि घर के अंदर कोई शरारत कर रहा है। यार अब दादाबू को कौन समझाए? तुम समझाओ। तुम दादाबू को समझा दो कि वो कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे मम्मा पापा को शक हो। हाँ ये ठीक है, मैं उन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन वो है कहाँ? अरे मैं उन्हें ढूंढता हूँ यार। जल्दी करो यार, इससे पहले कुछ और हो जाए। हाँ हाँ जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। तुम किधर जा रहे हो सलमान? ये शायद हमारा कमरा नहीं है। ये हमारे ही कमरा है सलमान। नहीं सभा, हमारा कमरा बड़ा साफ सुथरा होता था। इतने घूर के मत देखो, आगे बाहर आ जाएगी। ये किसने किया सलमान? हमारा कमरा चेंज। सलमान हमारा कमरा चेंज नहीं हुआ, किसी ने हमारे कमरे को उलट दिया है। कमरा उल्टा हो गया तो हम कैसे सीधा खड़े? अरे हमें भी तो उल्टा खड़ा होना चाहिए ना। सलमान जरूर हमारे कमरे में कोई चोर आया है। अरे लेकिन केक खाने की और लाइट ऑफ करने की रोहन और गीति ने जिम्मेदारी ले ली है ना। सलमान डर के मारे जुर्म कबूल किया है, जैसे बेगुनाह बेचारे पुलिस वालों की मार के डर से जुर्म कबूल करते हैं ठीक वैसे। हाँ ये जरूर हो सकता है, क्योंकि अगर उन्होंने अपना जुर्म कबूल ना किया होता ना तो मैं जरूर सजा देता। चलो सलमान पूरे घर में चोर को तलाश करते हैं। अरे लेकिन सभा चोर को मारने के लिए तुम्हारे पास कोई वेपन है? वेपन? एक काम कर दो, स्टोर जाता हूँ वहां ढूंढता हूँ। हाँ ठीक है, जब तक मैं ये चीजें समेट लूँ। अकड़ बकड़ भूम बिटक्कर मारी टक्कर आ गए चक्कर। दादा अबू ये क्या कर रहे हैं आप? देख नहीं रहा, किताबें पढ़ रहा हूँ। दादा अबू ये सिर्फ हमारा घर नहीं है, यहाँ इंसान भी रहते हैं। भाई मुझे उनके रहने पर कोई एतराज नहीं है। प्लीज दादा अबू कोई ऐसी हरकत मत करें जो मेरे दोस्तों को मुश्किल में डाल दे। तुम मुझे सबक मत पढ़ाओ। इतने साल बोतल में बंद रहने की वजह से ना आपकी अकल भी बंद हो चुकी है। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नहीं नहीं मैं तो सिर्फ तजिया कर रहा हूँ। मैं जो किताब ढूंढ रहा हूँ उसे पढ़ने के बाद मुझ में इतनी ताकत आ जाएगी कि मैं दुनिया के हर इंसान को अपना गुलाम बना लूंगा। लेकिन क्यों? मेरे कोकाफ जाने पर पाबंदी है, क्योंकि मैं वहां से निकाल दिया गया था, फिर एक जालिम जादूगर ने मुझे बोतल में बंद कर दिया। अब मैं इतना ताकतवर होना चाहता हूँ
कि ना कोई मेरे को काफ जाने पर पाबंदी लगाए और ना ही कोई मुझे अब बोतल में बंद कर सके। मतलब आप सुधरने वाले नहीं है? अबे तू सुधरा क्या आज तक? ओ माफ कीजिएगा। ओ मुसीबत। सबा ये बोतल मुझे लॉन में मिली है। सलमान ही तो काफी पुरानी लग रही है। सवाल तो ये है हमारे घर में आई कैसे? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए सलमान। सबा मैं कोई ऐसे वैसे हरकत नहीं करता। तो फिर ये बोतल कहाँ से आई है सलमान? ये जरूर उस चोर की होगी। मैं उस चोर को अब छोड़ूंगा नहीं। खूब ऐयाशी कर रही है आप। लेकिन वो वेपन? अरे ये बोतल है ना, यही बोतल उस चोर के सर पे मारूंगा। वेरी गुड। अब चले। कहाँ सलमान? बोतल चोर के सर पे मारने? चोर को ढूंढने। तुम तो बोतल को देखते। चलो चल के चोर को ढूंढते हैं यार। वैसे ये बोतल मुझे बहुत अच्छी लग रही है। अगर चोर के सर पे मारना होता तो मैं अपने पास ही रखता। क्यों अपने पास रखते तुम सलमान? अच्छा दिल को खुश करने के लिए। ओ सलमान क्या हुआ? दादा बू को समझाया? कोशिश की है। दादा बू भी तो तुम्हारे ही हैं। मतलब बात अभी उनको समझ में नहीं आई। पूरे लॉन में किताबें बिखरे बैठे। किताबें? उन्हें बुक्स पढ़ने का शौक है। पहला पढ़ा लिखा जिन देखा। नहीं तो क्या मैं जा ही लूं? कौन कह रहा है ऐसा? किसने कहा भाई, किसने कहा? दादा बू ढूंढ कौन सी किताब रहे हैं? अरे अपने आप को मजीद ताकतवर बनाने वाली यार। तो वो किताब उनके पास आई कहाँ से? लाइब्रेरी से मैजिक के ऊपर लिखी हुई किताबें लाए। वो ताकत क्यों हासिल करना चाहते हैं? ताकि कोई इंसान उन्हें दोबारा बोतल में बंद ना कर सके। कौन कर रहा है उन्हें बोतल में बंद? कोई नहीं यार, बस उन्हें डर है इस बात का। अगर आप मम्मा पापा ने देख लेना तो हमें मजा चखा देंगे। चलो उन्हें समझाते हैं। ये सब कुछ क्या है सलमान? किताबें सभा। सलमान वो तो मुझे भी नजर आ रहे हैं। मेरा मतलब ये है आई कहाँ से यहाँ? बड़ा अजीब चोर है, घर से सामान ले जाने के बजाय सामान लेकर आ रहा है। बोतल भी तो वही लेकर आया था। सलमान मुझे समझ नहीं आ रही, आखिर ये चोर हमसे चाहता क्या है? शायद कि हम किताबें पढ़े। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। ये किताबें कहाँ से आई है? हाँ और मेरे कमरे में अलमारी से निकाल के कपड़े किसने रखे थे बेड पे? और ये बोतल कहाँ से आई है? अब क्या बताऊँ, वो दरअसल पापा वो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। जीनी। जीनी तुम्हारा दोस्त वापस आ रहा है? वो तो अमेरिका नहीं चला गया था? और जीनी कुछ करो। अरे ये हो क्या रहा है, जीनी कहाँ से आ गया? सलमान मुझे लगता है ये दोनों हमसे कुछ छुपा रहे हैं। ये मुझे तुमसे छुपा रहे हैं। आप कौन? सलमान ये कौन है? मैं इस घर का मालिक हूँ। मेरे बाद इंसानों ने इस घर पर कब्जा कर लिया था, लेकिन अब मैं आ गया हूँ। तुम लोग यहाँ रह सकते हो, बस ये बोतल मुझे दे दो। ये बोतल आपकी है? हाँ। अब हमें क्यों तंग कर रहे हैं? मैं अपने घर में रह रहा हूँ, मैंने तो किसी को तंग नहीं किया। ये क्या हो रहा है? ये लता को मुझे बोतल में फिर से बंद कर रहा है। बचाओ बचाओ बचाओ। शुक्र है। शुक्र कहाँ से, मम्मा पापा को सब पता चल गया है। अरे फिक्र ना करो, मैं इनकी मेमोरी अभी अरेज कर देता हूँ। मैं कौन हूँ? तुम सलमान हो, लेकिन हम यहाँ आए कैसे? हम तो बेडरूम में थे। ओए रोहन, ये तुम्हारी बोतल हाथ में कैसे आई? हाँ बेटा ये बोतल कहाँ से आई तुम्हारे हाथ में? बहुत जबरदस्त है, सब खोल के देखो। हाँ। ये है इसकी जादूगरियाँ, जादू नगरी की हड़बड़ियाँ, सर पे चढ़ गई जादूगरियाँ। ये है इसकी जादूगरियाँ। Ho 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 ho!